यहाँ से भेजोगे वही वहाँ से क्या वो साल का जुटा कितना बनता है वहाँ एक्स्ट्रा नहीं करना ना हम देखेंगे पिछले साल कितना हमने मतलब कितने पेशेंट देखे कितना जरूर हमने जाना है कल मैंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को भी बुलाया था क्या मेडिकल सुपरिटेंडेंट को बुलाया हम एयरपोर्ट पे भी मैं परसों गया था वहाँ हमने उनको जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई उसके हिसाब से उनसे भी एक मीटिंग करी कि कैसे हम हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 20 बेड्स रखेंगे कि स्कैन है सर कितना मतलब यहाँ पे भी श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी ज्यादा जो इकदाम आते वो उठाए तो क्या 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 है हाँ हाँ बिल्कुल हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे को डायरेक्शन आई थी मैं दो दिन पहले एयरपोर्ट भी गया तो वहाँ हमने जो डायरेक्ट एयरपोर्ट अथॉरिटीज है उनसे बात करी हमारा जो नोडल ऑफिसर वहाँ है हमने जो एज पर लेटेस्ट गाइडलाइन जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर होगा चाहे उसका आरटीपीसीआर वहाँ से किया होगा चाहे वो वैक्सीनेटेड होगा यहाँ उसको हम आरटीपीसीआर रिपीट करेंगे और जब तक उसका टेस्ट रिपोर्ट नहीं आता उसको घर जाने नहीं दिया जाएगा उसके इंतज़ाम भी गवर्नमेंट ने रखे और जिसका भी नेगेटिव टेस्ट आएगा उसको घर भेजा जाएगा लेकिन मॉनिटरिंग रहेगी 7 दिन तक बिल्कुल आइसोलेशन अपने घर के लोगों से भी नहीं मिलेगा वो बिल्कुल उसको आइसोलेशन में रहना है घर में ही रहना है होम आइसोलेट उसको रहना है जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर होगा उसके बाद 8 दिन के बाद उसको और रिपीट किया जाएगा टेस्ट अगर वो भी नेगेटिव आया उसके बाद उसको फिर मॉनिटरिंग रहेगी लेकिन जो भी पॉजिटिव आए चाहे वो यहाँ हमें आए या 8 दिन के बाद आएगा पॉजिटिव घर में उसको डायरेक्टली हम हेल्थ फैसिलिटी DRDO में ले रहे हैं और वहाँ उसका इलाज भी होगा ट्रीटमेंट भी होगा आइसोलेशन भी रहेगा सर नए वेरिएंट उसके बगैर जो ये ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है 26 नवंबर को जब ये पहले साउथ अफ्रीका से वहाँ डिटेक्ट हुआ उसके बाद 26 नवंबर को WHO ने इसको एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया क्योंकि इसकी जो इन्फेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा है 500 times more तो इसमें यही है कि हमने वैक्सीनेशन जो कराई है वैक्सीनेशन इज़ इफेक्टिव फॉर ऑल द स्ट्रेन अगर ज़्यादा नहीं होगी लेकिन एक चीज़ जो हमेशा रहेगी वो SOPs है SOPs ये देखा गया है नेशनली इंटरनेशनली कि आप अगर इन चीज़ें जैसे हम पहले भी कह रहे थे वही मास्क हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंस इसका लोगों को खास ख्याल रखना है वो इस वेरिएंट से भी हमें बचा सकता है सर डेटा के मुताबिक सर दो ऐसे केसेस पॉजिटिव आए जिन्होंने 2 वैक्सीन लगाए हैं तो क्या क्योंकि लोगों में काफ़ी ज़्यादा खौफ नहीं 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 आप देखिए वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है इसमें पहले भी बड़े सारे कन्फ्यूजन्स लोगों ने करे देखिए टेक्निकल लोग जो होते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं साइंटिस्ट्स होते हैं उनकी बात ये तो अपने फील्ड में हम ही तो एक्सपर्ट हैं ना इधर कोई और कोई बात करेगा वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है अगर ये किसी स्ट्रेन को 100% प्रोटेक्शन देता है दूसरे को 100 नहीं तो 80 देगा ही देगा इसलिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है वैक्सीन पे जिसने भी वैक्सीन लिया उसमें मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी हमने बड़ी कम देखी बहुत कम देखी और ये किसी भी वेरिएंट से हमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन देता ही देता है 100% देता है ऐसा कुछ नहीं है कि वैक्सीन ना करें और ऐसे ही घूमें अभी भी कुछ लोग हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आए या जो खुद नहीं करना चाहते उनसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा वैक्सीन करें और ज़रूर करें उसके बाद उससे पहले भी SOPs का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आजकल जो देखिए जो मैरिज सीजन्स थे वहाँ पे या कोई सोशल गैदरिंग होती है या कोई रिलीजियस गैदरिंग होती है हर जगह SOPs का पालन करें अपने को बचाए हम आपके साथ हैं गवर्नमेंट इज़ रेडी हमने कल भी एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट हर एक को मैंने बुलाया हमने एक मीटिंग करी हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 20 बेड्स रखे जो हमने और कोविड के लिए रखे ऑक्सीजनेटेड बेड्स दवाइयाँ हमने देखी चेक करी पूरी हमारे पास दवाइयाँ भी है ऑक्सीजन भी है डॉक्टर्स भी है लेकिन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो SOPs का पालन करें सर क्या खासियत ये जो न्यू वेरिएंट है इसमें क्या खासियत है इसमें जैसे मैंने आपको कहा इसमें सबसे ज़्यादा जो है इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है अगर एक को लगेगा इसीलिए कह रहे हैं कि गैदरिंग इसको अवॉइड करें ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाए ये 500 times more infective है देन अदर वेरियंट्स इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है
मोर्टेलिटी अगर उतनी ज़्यादा नहीं बट इन्फेक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है। ये एक ही घर में हर एक को लग सकता है, एक जगह अगर आप 100 लोग हैं 200 लोग हर एक को लग सकता है, इसलिए गैदरिंग्स अवॉइड करें और अगर गए भी वहाँ ये SOPs का ध्यान रखें, वही चीज़ें हमें बेसिकली इससे बचा सकती है। सर, अस्पतालों के हवाले से किस तरह की तैयारी की जा रही है? अभी मैंने आपको कहा कि हमने आज मैंने CMOs को भी बुलाया, एक हंगामी मीटिंग हमने करी क्योंकि हमारे ACS साहब के डायरेक्शंस थे कि आप जी देखिए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी तैयारी रहनी चाहिए। और मैंने इनको ये भी कहा अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवलर आ रहा है, किसी की हिस्ट्री है, सपोज़ कोई आया दिल्ली और दिल्ली से फिर आ गया बाई रोड, हमने वहाँ पर जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर टेस्टिंग सेंटर्स रखे हैं, जिसकी भी हिस्ट्री होगी अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, उसको आइसोलेशन में रहना है, लेकिन मॉनिटर उसको हम ही करेंगे, हमारे ही लोग करेंगे। इसलिए तमाम CMO साहिबान को आज मैंने बुलाया था, हमारी मीटिंग भी चल रही थी और इसी के साथ साथ उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल्सो। देखिए हमारा सर्दी का जो ये मौसम है, यहाँ हमने इनडोर ही ज़्यादा रहते हैं, इंडोर में यही करें कि गैदरिंग से अवॉइड करें मेहरबानी करके, अगर करनी भी पड़े कभी कोई मजबूरी होती है तो उस पर SOPs का ध्यान रखें, मास्क 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 योर सेल्फ और उसके बगैर जो सोशल डिस्टेंस एंड हैंड हाइजीन उसको और करें। बड़े सारे लोगों को ये लग रहा था शायद कोविड गया नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके SOPs का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।